डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे ऑथर को जिसकी कहानियों को आप बचपन से पढ़ना शुरू कर देते हैं और अपने एकेडमिक कैरियर के दौरान एंजॉय भी करते रहते हैं। वो ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड। आपने इनकी कई कहानियों के साथ डील भी कर चुके होंगे, चाहे वो टोटो मंकी हो या टिमोथी एक टाइगर हो। किस तरीके से हर एक क्लास में या कुछ यादगार कैरेक्टर जैसे महमूद द काइट मेकर। तो रस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न 1934 में पैदा हुए हैं एंड ही लिव्स इन मसूरी नाउ। अब मसूरी उत्तराखंड में अभी भी ये रहा करते हैं। आप चाहें तो इनसे मुलाकात कर सकते हैं। और एक ऐसे ब्रिटिश ऑथर जो इंडिया में सेटल हो चुके हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें हर तरीके के अवार्ड से नवाजा है। इंडिया में जितने भी अवार्ड होते हैं और ये हाईएस्ट अवार्ड अचीवर्स की लिस्ट में आ चुके हैं। इनके अवार्ड्स की बात करी जाए, साहित्य एकेडमी अवार्ड 1992 में इन्हें दिया गया था, पद्मश्री 1999 में, पद्म भूषण 2014 एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2017। और 34 में ये पैदा हुए थे तो आप इनकी एज का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पुराने हैं ये। लेकिन इनके लेख आज भी कई पेपर्स जैसे पॉइनियर वगैरह में प्रकाशित होते रहते हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिज स्टोरी द बैनियन ट्री। बैनियन ट्री इनके बचपन की कहानी है। पार्ट फर्स्ट के साथ शुरू करते हैं। दो द हाउस यद्यपि वो घर एंड द ग्राउंड्स बिलोंग टू माय ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादाओं से ताल्लुक रखा करते थे। द मैग्निफिसेंट ओल्ड बैनियन ट्री वॉज माइन, लेकिन वो शानदार बैनियन बरगद का पेड़ मेरा था। और बरगद का पेड़ मेरा था चीफली बिकॉज, मुख्यतः क्योंकि, इसलिए ग्रैंडफादर एट 65, क्योंकि दादाजी 85 साल की उम्र में कुछ नो लॉन्गर क्लाइंब इट, और इस पर अब चढ़ नहीं सकते थे। 85 की एज में कौन चढ़ पाएगा। इसीलिए रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि ये उनका एरिया था, उनका घर जैसा था। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस, इसकी फैली हुई शाखाएं, विच हंग टू द ग्राउंड, जो जमीन में लटकी हुई थी, एंड टुक रूट अगेन, और जिन्होंने दोबारा जड़ें पकड़ ली थी जमीन से। इस तरीके का ये पेड़ था, फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस, और इसमें बहुत से मुड़े हुए रास्ते जिसमें रस्किन बॉन्ड खेला करते थे। एंड गेव मी एंडलेस प्लेजर, और ना खत्म होने वाली खुशी को मुझे दिया करते थे। अमंग देम वर स्क्वायरल्स, उनके बीच में स्क्वायरल्स रहा करती थी गिलहरियां, एंड स्नेल्स रहा करते थे, एंड बटरफ्लाइज, और बटरफ्लाइज भी वहां उड़ा करती थी। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, और ये पेड़ उस घर से पुराना था। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, मुझे तो ऐसा लगता है कि दादाजी से भी पुराना था। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, और शायद ये इतना पुराना होगा जितना कि देहरादून है। आई कुड हाइड माईसेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, इसकी शाखाओं में मैं अपने आप को छिपा सकता था। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, और इसकी चौड़ी हरी पत्तियां, एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड ब्लो, और नीचे वाली दुनिया की जासूसी भी कर सकता था इसके ऊपर बैठकर। सब कुछ मैं नीचे देख सकता था कि क्या हो रहा है, और मुझे कोई ना देख पाता था, रस्किन बॉन्ड कहते हैं। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वायरल, मेरी पहली एक छोटी दोस्त एक ग्रे कलर की स्क्वायरल थी, देख सकते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्वायरल, आर्चिंग हिज बैक, जो अपनी बैग को एक आर्च बना लिया करती थी, इस तरीके से बैठती थी, स्निफिंग इनटू द एयर, और हवा में सांस लिया करती थी। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माय इन्वेजन, पहले तो ऐसा लगता था कि ये मेरे चढ़ाई को, मैं पेड़ पर चढ़ा करता था, उसका उससे नाराज हो जाती थी, विरोध किया करती थी, ऑफ हिज प्राइवेसी, क्योंकि उसकी प्राइवेसी में मैं दखलंदाजी किया करता था। बट वेन ही फाउंड, लेकिन जब इसने पाया, That I did not harm myself, उसे ऐसा लगा, I didn't harm myself, मैं अपने आप को बाहर नहीं उठाऊंगा, with catapult, catapult के साथ, गुलेल के साथ, जब इसे लगा कि मैं अपनी बाह में गुलेल लेकर इसके ऊपर नहीं चढ़ाऊंगा, और air gun, he became friendly, ये धीरे धीरे हमारे साथ दोस्ताना हो गई। When I started bringing him pieces of cake, और जब मैं इसके लिए केक के पीसेस लाने लगा, बिस्किट लाने लगा, ही ग्रीव क्वाइट बोल्ड, ये काफी बहादुर हो गई, एंड वॉज सून टेकिंग मॉर्जेल्स
फ्रॉम हैंड, और जल्दी ही ये मॉर्जेल्स को ले लिया करती थी, निमाले को ले लिया करती थी मेरे हाथों से. बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट, और जल्दी ही ये क्या करने लगी कि मेरी पॉकेट में खरोदने लगी, मेरी पॉकेट के अंदर इंटर कर जाती थी और सर्च किया करती थी कि क्या माल लाए हो. एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ, और अपनी मदद करती थी टू वॉट एवर ही कुड फाइंड, जो कुछ ये पा सकता था, जो कुछ इसे मिल जाता उसे पाने की कोशिश करता था. ये स्क्वायरल, ही वॉज वेरी यंग स्क्वायरल, ये बहुत छोटा स्क्वायरल था. एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और इसके दोस्त और रिश्तेदार प्रोबेबली थॉट, सामान्यता ये सोचा करते थे हिम फुलिश, इसे बेवकूफ माना करते थे. एंड हेड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन, और सख्त सख्त दिमाग वाला, क्योंकि ये एक इंसान पे भरोसा करती थी और इंसानों को चाहने जो लगी थी, मेरे साथ दोस्ती जो इसने बना ली थी. इन द स्प्रिंग व्हेन द बैनियन ट्री वाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिक्स, और स्प्रिंग के महीने में जब बैनियन ट्री लद जाता था रेड फिक्स के साथ, बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड, हर तरीके की चिड़िया, वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस, इसकी ब्रांचेस में आकर के बैठ जाती थी, एक फॉग ग्रुप बना करके बैठ जाती थी. रेड बॉटम्ड बुलबुल, और लाल तली वाली बुलबुल जिसका चेस्ट रेड हुआ करता है. चीयरफुल एंड ग्रीडी, जो काफी खुश और लालची. पैरट्स, पैरट्स भी आया करते थे, मैना भी आती थी. एंड क्रोस, और कौए. स्क्वैबलिंग विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ चहचहा कर बातें किया करते थे, मतलब वहां पर काफी नॉइज रहता था. ड्यूरिंग द फिक्स सीजन, और जब फिक्स सीजन आता था इसमें नई नई कलियां सी आती थी. जब आपने देखा होगा रेड फिक्स जब आती है बैनियन ट्री में, द बैनियन ट्री वॉज नॉइजिएस्ट प्लेस इन द गार्डन, तो गार्डन में ये काफी शोर वाला स्थान बन जाया करता है. हाफ हाफ वे अप, आधे रास्ते में, द ट्री आई हैड बिल्ट अ क्रूड प्लेटफॉर्म, मैंने एक भद्दा सा प्लेटफॉर्म बना लिया था बैठने के लिए. वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स, जहां पर मैं दोपहरी को बिताया करता था. व्हेन इट वॉज नॉट टू हॉट, जब बहुत गर्मी नहीं होती थी मैं वहां जाकर बैठ जाता था. आई कुड रीड देयर, और मैं वहां पढ़ा करता था. प्रॉपिंग माई सेल्फ अगेंस्ट द ट्री, और ट्री से ढोक लगाकर बैठ जाता था विद अ कुशन, और एक कुशन रख लेता था. फ्रॉम द लिविंग रूम, लिविंग रूम से ला करके एक कुशन रख लेता था पीछे की तरफ और बैठ जाता था. सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बैनियन ट्री लाइब्रेरी, और कुछ किताबें जो मेरे बैनियन ट्री को एक लाइब्रेरी बना दिया करती थी, वहां पर बुक्स को पढ़ करके इंजॉय किया करता था. व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, और जब मेरे पढ़ने का दिल नहीं होता था, आई कुड लुक डाउन, मैं नीचे देखा करता था. थ्रू द लीव्स, पत्तियों से, द वर्ल्ड ब्लो, नीचे वाली दुनिया. एंड ऑन वन पार्टिकुलर आफ्टरनून, और एक खास दोपहरी में, आई हैड ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ द क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड्स, और मुझे मिलती थी वहां पर एक शानदार नजारा दिखाई पड़ता था ऑफ द क्लासिक पुराना इंडियन वाइल्ड्स, भारतीय जंगलों का. अ फाइट बिटवीन मंगूस एंड अ कोबरा, एक मंगूस और कोबरा की लड़ाई. आपने देखा होगा कि नेवले और सांप की लड़ाई का नजारा भी वहां से मैं देख सकता था. पार्ट टू में देखते हैं द वार्म ब्रीज ऑफ अप्रोचिंग समर, वहीं पर गर्म खुशबूदार हवा. अप्रोचिंग समर, जो अनाउंस करती थी कि समर आने वाली है, गर्मियां आने वाले की हवा, गर्म गर्म. हैड सेंट एवरीवन, हर किसी को भेज दिया करती थी, इंक्लूडिंग गार्डनर, गार्डनर भी चला जाता था इन टू द हाउस, घर में. आई वॉज फीलिंग ड्राउजी myself, मैं अपने आप को सुस्ताता हुआ महसूस करता था. वंडरिंग, और भटकता, वंडरिंग सरप्राइज करता था. इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड, कि मुझे तालाब के पर जाना चाहिए. हैव अ स्विम, तैरना चाहिए. विद रामू, रामू के साथ. एंड द बुफेलोस, और उसकी बुफेलोस के साथ. When I saw a huge black cobra, और जब मैंने देखा है कि एक बड़ा सा काला सा कोबरा gliding out of a clump of cactus, cactus का जो झुंड था वहां से निकल के आ रहा था. At the same time, a mongoose, और उसी वक्त क्या हुआ कि एक मांगूस इमर्स्ड निकल आया from the bushes, झाड़ियों से. And went straight to the cobra, और कोबरा के सामने पहुंच गया. और जब कोबरा और मैंगूस सामने होते हैं तो क्या होता है, एक अच्छी सी फाइट होती है. इन द क्लियरिंग, और जहां पर साफ सुथरा मैदान था. बीनीथ द बैनियन ट्री, बैनियन ट्री के नीचे.
इन द ब्राइट सनशाइन, ब्राइट चमकीली सूरज की रोशनी में, दे केम फेस टू फेस, वो आमने सामने आ गए। द कोबरा न्यू, कोबरा ये जानता था कि ओनली टू वेल, केवल बहुत अच्छी तरीके से, दैट दे ग्रे, दैट द ग्रे मैंगूस, जो ग्रे मैंगूस था वो क्या करेगा, 3 feet long, 3 feet लंबा मैंगूस, वॉज सुपर फाइटर, शानदार फाइटर था, क्लेवर एंड एग्रेसिव, चालाक था और अटैक करने वाला भी था। बट द कोबरा वॉज टू स्किलफुल, लेकिन कोबरा भी बहुत कुशल था, एक्सपीरियंस्ड फाइटर, अनुभवी लड़ाई करने वाला, ही कुड मूव स्विफ्टली, वो तेजी के साथ मूव कर सकता था, स्ट्राइक प्रहार कर सकता था, विद द स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की स्पीड के साथ, एंड द सेक्स बिहाइंड, और उसके पीछे जो सेक्स थैलियां ऑफ द लॉन्ग शार्प फैंग्स, जो उसके फैंग्स हुआ करते हैं, नुकीले दांत, उनकी थैलियों के पीछे वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, वो जहरीले जहर से भरी हुई थी, मार देने के लिए काफी था वो जहर, उसके दांतों के पीछे जो थैलियां होती हैं और टीथ के बीच से जो पॉइजन निकलता है वो किसी को भी मार सकता है। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस, और ये चैंपियन की युद्ध भूमि थी। अब चैंपियंस की युद्ध भूमि में कैसे लड़ाई होती है देखते हैं। हिसिंग डिफाइंस, हिसिंग हिसिंग की आवाज करते हुए सुरक्षात्मक तौर पे, His forked tongue, और जो उसकी फॉर्क कांटेदार जो जबान थी, darting, move कर रही थी in हवा में, and out, अंदर और बाहर निकल रही थी उसकी टंग। The cobra raised 3 of his 6 feet off the ground, उसने अपने आप को 3 feet तो जमीन से उठा लिया, and spread his broad, और अपना फैला लिया चौड़ा सा spectacled hood, जो देखने वाला परिदृश्य बनाने वाला फन था उसने फैला लिया। द मांगूस बूस्ट हिज टेल, और मांगूस ने भी अपनी पूंछ को हिलाया, झाड़ीदार पूंछ को हिलाया। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, और उसकी स्पाइन के ऊपर जो लंबे लंबे बाल थे वो भी खड़े हो गए। दो द कॉम्बेटेंट, हालांकि जो प्रतिद्वंदी थे, were unaware of my presence in the tree, मैं पेड़ पे बैठा हुआ, मेरी अनुपस्थिति से अनअवेयर थे, अपरिचित थे, वो नहीं जानते थे कि someone was seeing their fighting, कि कोई उनकी लड़ाई को देख रहा था। अगर उस जमाने में कैमरा रहा होता तो कितना अच्छा लगता इसे शूट करते हुए। They were soon made aware of the arrival of two other spectators, लेकिन जल्दी ही वो परिचित हो गए दो दर्शकों के आने से। कौन दो दर्शक थे? One was मैना, एक मैना थी, and other a jungle crow, एक जंगल का कौवा। They had seen these preparations for battles, उन्होंने देख ली थी इस जंग की तैयारियां। Had settled on the cactus to watch the outcome, और रिजल्ट को देखने के लिए कैक्टस पर बैठ चुके थे। They had been content to watch, वो संतुष्ट थे देख करके। All would have been well, सब कुछ अच्छा रहेगा with both of them, उनमें से दोनों के साथ। अब क्या फैसला होता है, ये जंग कैसी होती है। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, कोबरा डिफेंसिव खड़ा रहा, अपने आप को डिफेंसिव प्ले कर रहा था, फाइट कर रहा था, स्वेइंग हिल रहा था स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ की तरफ, ट्राइंग टू मेसमराइज द मंगूस इनटू मेकिंग अ फॉल्स मूव, और कोशिश कर रहा था मेस्मराइज करने की मंगूस को, इनटू अ मेकिंग अ फॉल्स मूव, कहीं वो एक झूठा मूव ना कर दे, उसको चाहने की, उसकी भनक लगने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या करेगा। बट द मंगूस न्यू, लेकिन मंगूस जानता था द पावर ऑफ हिज अपोनेंट्स ग्लासी, उसके अपोनेंट उसके विरोधी की ग्लासी, चमकती हुई अनविंकिंग आईज, ना पलक झकपाने वाली आंखों को, रिफ्यूज टू मीट देम, और उसने मना कर दिया उनसे मिलने से, कि वो कुछ भी फॉल्स मूव नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत चालाक था स्नेक। इनस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज, इसके बजाय उसने अपनी निगाह को फिक्स कर दिया, आंख में आंख डालकर देखने लगा। एट द पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड, कोबरा के फन के नीचे, एंड ओपन द अटैक, और जिसने अटैक ओपन किया, आक्रमण किया, मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, आगे की तरफ मुड़ते हुए। Until he was just within the cobra's reach, जब तक कि वो कोबरा की पहुंच में नहीं पहुंच गया, the mongoose made a pretended move, और mongoose ने एक बहाने वाला move किया, बहाना बनाया,
टू वन साइड, एक तरफ के लिए. इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, कोबरा ने उसी तरफ प्रहार कर दिया. हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली, और उसका फन इतनी तेजी के साथ नीचे की तरफ आया. दैट आई थॉट नथिंग, क्योंकि मैं कुछ ना सोच सका. कुड सेव द मांगूस, मुझे लगा कि अब मांगूस को कोई नहीं बचा पाएगा. बट द लिटिल फेलो जंप्ड नीटली टू वन साइड, लेकिन उस छोटे से साथी ने एक तरफ को छलांग लगा दी. एंड डार्टेड इन, और इसी तरीके से छलांग लगाई, एज स्विफ्टली, इतनी फुर्ती से, एज द कोबरा, जितना कि कोबरा कर रहा था. बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक, और उसकी पीठ के ऊपर काट लिया. डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, और दोबारा फिर पहुंच से दूर हो गया. एट द सेम मोमेंट, उसी पल द कोबरा स्ट्रक, कोबरा ने फिर प्रहार किया. द क्रो, और फिर क्या हुआ कि वो कौवा एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्फ एट हिम, उसके ऊपर हर्लिंग करने लगे, मूव करने लगे, जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं. ओनली टू कोलाइट हैवली इन द मिड एयर, और केवल एक दूसरे से टकराते टकराते बचे बीच हवा में. श्राइकिंग इंसल्ट एट ईच अदर, एक दूसरे की बेइज्जती के लिए चिल्लाते हुए दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट, कैक्टस प्लांट पर वापस आ गए. बहुत इंसल्ट कर रहे थे दोनों की, ये दोनों, मैना और क्रो. अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, क्योंकि कुछ खून की बूंदें ग्लिस्टेंट, जो चमक रही थी ऑन द कोबरास बैक, कोबरा की पीठ के ऊपर. द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, कोबरा ने प्रहार किया लेकिन मिस कर दिया. अगेन द मांगूस स्प्रैंग असाइड, अचानक मांगूस दोबारा एक तरफ को उछल करके चला गया. जंप्ड इन, उसने छलांग लगाई. एंड बिट, और थोड़ा सा. अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, दोबारा चिड़ियों ने डाइव लगाई सांप के ऊपर. बम्प्ड इनटू ईच अदर इनस्टेड, और एक दूसरे से टकरा गई उसके बजाय. रिटर्न स्ट्राइकिंग टू सेफली टू द कैक्टस, और कैक्टस पर दोबारा वापस आ गई सुरक्षात्मक तौर पर. लेकिन यही आखिर नहीं था. द थर्ड राउंड फॉलोड, तीसरा राउंड शुरू हो गया. सेम कोर्स, और वही सब कुछ होने लगा. एट द फर्स्ट, पहले तो, बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस, लेकिन थोड़ा सा एक ड्रामेटिक डिफरेंस आ गया. द क्रो एंड मैना, और जो कौवा और मैना थे, स्टिल डिटरमाइंड, अभी भी दृढ़ निश्चित थे टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, जो कुछ ये चल रहा था उसमें हिस्सा लेने के लिए. डाइव एट कोबरा, कोबरा पर डाइव लगाने के लिए. बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर, लेकिन इस बार एक दूसरे को मिस कर गए. एज वेल एज देयर मार्क, और अपने निशान से कहीं आगे निकल गए. द मैना फ्लू ऑन, मैना उड़ने लगी. एंड रीच्ड इस पर्च, और अपने बैठने की जगह पर पहुंच गई. बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन द मिड एयर, लेकिन क्रो ने अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश तो करी हवा में, टर्न बैक, पीछे मुड़ने की. इन द सेकेंड, लेकिन एक ही सेकेंड में. दैट इट टुक द बर्ड टू डू दिस, जो वर्ड को ये करने में, मूव करने में वक्त लगा. द कोबरा विव्ड हिज हेड, कोबरा ने अपने फन को ऊपर की तरफ कोड़े की तरह उठाया. एंड बैक स्ट्रक विद अ ग्रेट फोर्स, और बहुत ही ताकत के साथ प्रहार किया क्रो के ऊपर. इट इज नाउ थर्डिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी, और क्रो की बॉडी पर कोक थर्ड की आवाज आई इस तरीके के. और इस तरीके से क्रो का अंत हो गया, क्योंकि क्रो का, उसके पॉइजन का क्रो सामना ना कर सका. आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 फीट अक्रॉस द गार्डन, मैंने देखा कि वो चिड़िया, वो क्रो, करीबन 20 फीट गार्डन में दूर गिरा जा करके. इट फ्लटर्ड, ये फड़फड़ाया अबाउट फॉर अ वाइल, एक पल के लिए. देन ले स्टिल, तब शांत होकर के लेट गया और अपनी अंतिम सांस ली. द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, मैना कैक्टस प्लांट पर बनी रही. व्हेन द स्नेक एंड मांगूस रिटर्न टू द फाइट, और जब स्नेक और मांगूस लड़ाई के लिए वापस आए, वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, उसने बहुत समझदारी से दोबारा दखलंदाजी ना करने का फैसला किया, क्योंकि जो क्रो का हाल हुआ था वही हाल इसका भी होता अगर ये दखलंदाजी करती. द कोबरा वॉज वीकनिंग, कोबरा कमजोर पड़ रहा था. द मांगूस, और जो मांगूस था, वीक वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, इसकी तरफ बहुत ही बिना डरे हुए चल रहा था. रेज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को उठा रहा था अपनी छोटी टांगों पर. विद अ लाइटनिंग स्नैप, और एकदम बिजली के चमक के प्रहार की तरह. हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, इसने से बड़े से सांप को प्रहार किया. द कोबरा रिस्ट एंड लैश्ड अबाउट इन अ फ्राइटिंग मैनर, कोबरा जो था पूरी तरीके से घबरा गया, लैश हो गया.
और फ्राइटनिंग डरे हुए तरीके से इवन क्वाइल्ड इटसेल्फ अबाउट द मॉन्गूस, इसने मॉन्गूस के आसपास अपने आप को क्वाइल करने की कोशिश करी, पकड़ने की, घुमाने की, बट नो अवेल, लेकिन कोई फायदा नहीं था। द लिटिल फेलो, वो छोटा सा थी, हंग ग्रिमली ऑन इट, इसके ऊपर लटका रहा तेजी के साथ, उसको गर्दन से पकड़ लिया था। अंटिल द स्नेक हैड सीज टू स्ट्रगल, जब तक कि सांप ने संघर्ष करना बंद नहीं कर दिया तब तक वो उसकी गर्दन के ऊपर से पकड़ करके बैठ गया। देन तब क्या हुआ, स्मेल्ट अलोंग द क्विवरिंग लेंथ, तब एक स्मेल आने लगी, तब उसने खुशबू सूंघी, क्विवरिंग लेंथ एक लंबाई की, ग्रिप्ड इट राउंड इट्स हुड, क्योंकि वो इसके फन के ऊपर ग्रिप बनाए हुए था, ड्रैग्ड इट, इसे खींच करके ले गया इनटू द बुशेस, झाड़ियों में। इसी तरीके से स्नेक का भी एंड हो गया। द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, मैना सावधानी पूर्वक जमीन पर कदम रखा मैना ने, और फिर क्या हुआ, हॉप्ड अबाउट, थोड़ी सी उछली, peered into the bushes, झाड़ियों में चली गई, from a safe distance, एक दूरी पर, then with a shrill cry of congratulation flew away, और congratulate करती हुई, किसे congratulate करती हुई, आपने सही बताया, मांगूस को congratulate करती हुई उड़ करके चली गई। It was a story by Ruskin Bond. Ruskin Bond, did you enjoy it? आपने enjoy तो किया होगा। So You must read all the stories of Ruskin Bond. मैं तो ये कहना चाहूंगा कि Ruskin Bond की stories की एक book मंगा लीजिए और उसे पढ़िए. These are very interesting story and gives you and they give you a touch of Indian culture, Indian wildlife. आपको भारतीय culture की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय wildlife की झलक प्रदान करेंगी. इसी के साथ thank you very much. See you again with a new story.